गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अभी टाइम है सुबह की 6 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेलीज वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ दिवांश की मॉर्निंग रूटीन, मतलब मॉर्निंग से लेकर लंच तक वो क्या क्या करता है, ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फिर प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में इन तक बने रहो और साथ ही में वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिए। यूजुअली वो 7 से लेकर 7:30 बजे तक उठ ही जाता है, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो क्या क्या करता है। तो फिर फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठने के बाद दिवांग सबसे पहले थोड़ी सी पानी पी लेता है। ओए बावरी, अभी टाइम हुआ है 7:30 और दिवांश उठ गया है। यहाँ पे दिवांश उठकर थोड़ी सी पानी पी लेता है मॉर्निंग में और उसके बाद ब्रश करता है। वो खुद ट्राई करता है बट मैं ही करवा देती हूँ। तो अभी वो ट्राई कर रहा है ये बालकनी में आकर ना ये ट्राई करता है। देखो वो देखिए मजो मजो ओए बावली तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहो और वीडियो को पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दिवांश ब्रश कर लिया है, अभी उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊँगी सूजी के पैनकेक या फिर सूजी के चीला, जो भी बोलो आप लोग। तो यहाँ पे मैं 2 बराबर चम्मच में यहाँ पे सूजी में ले रही हूँ और थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि सूजी को थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है। अभी इसके लिए मैं थोड़ी सी गाजर को ग्रेट करके रखा है, टमाटर और थोड़ी सी धनिया पत्ता रखा है और अनियन डालना मैं भूल गई हूँ। आप लोग चाहो तो अनियन डाल सकते हो, चाहो तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च जो डाल सकते हो या फिर जो भी वेजीज आपके बच्चे पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हो, ग्रेट करके डाल सकते हो या फिर बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वेजिटेबल्स पसंद है उसमें डाल सकते हो। थोड़ी सी नमक ऐड की है मैंने और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड की है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं ऑयल से ब्रश कर लिया है फ्राइंग पैन को, आप चाहो तो घी से ब्रश कर सकते हो। और मिक्सर को मैंने, बैटर को मैंने डाल दिया है और ना वो चम्मच की मदद से थोड़ी सी प्रेस करके वो जो सब्जियाँ है उसको थोड़ी सी सेट कर लेती हूँ। तो ऐसे 2-3 मिनट के अंदर वो पक जाता है। देखिए कितनी अच्छे से वो सेक गया है नीचे से। अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ। देखिए 5 से लेकर 6 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से ये बन जाता है। तो फिर मैं इसको, ये रेडी हो गया है ना, तो दिवांश के लिए मैं इसको सर्व कर लेती। सूजी बहुत जल्दी मुँह में जाकर ये मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ये पेट को भी अच्छे से भर देता है। भालो खाओ, वेरी गुड पा, खाओ। এটা কি বলো তো? বেদানা। কি বলে বেদানাকে? জোরে জোরে বলো। ভেরি গুড। এটাকে কি বলেন? গুয়াভা। ভেরি গুড। হ্যাঁ কি বলে ওটাকে? ক্যাট। ভেরি গুড। এটাকে কি বলে? ভেরি গুড। এটাকে কি বলে? এটা কি? ডগি। এটাকে কি বলে? কাউ। এটা কি? জোরে জোরে বলো। ক্যামেল। এটা কি বলো? কি এটা? ভেরি গুড। এটা কি? জোরে বলো। পিগ। আচ্ছা এটা কি? এটা কি? ब्रेकफास्ट करने के बाद 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उसके साथ में बुक्स लेकर, ये बहुत अच्छी हैबिट है। अभी टाइम है 10:15, तो इस टाइम मैं उसे थोड़ी सी मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है वो सर्व करती हूँ। तो आज उसके लिए पहली बार मैं उसको दे रही हूँ गन्ने का जूस। की खाचो? আখের রস। ভালো বাবা, খাও খাও, মুখ দাও মুখ দাও, খাও। ভেরি গুড, খাও, হাত সরাও।
মিষ্টি মিষ্টি হ্যাঁ ওরকম করে না স্টটা রাখো স্টটা রাখো স্টটা রাখো বাবা খাও 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 এবার খাও হাত ছাড়ো খাও ब्रेकफास्ट थोड़ी सी हेवी हो गई थी तो फिर इसलिए मैंने मिड मॉर्निंग जो स्नैक्स है वो ज़्यादा नहीं दिया, बस उसको गन्ने का जूस ही पीने के लिए दिया था। तो अभी वो कर रहा है ड्राइंग, ऐसे थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद वो थोड़ी सी खेलता है या फिर ड्राइंग करता है या फिर उसके कार के साथ खेलता है। तो फिर आज कर रहा है वो ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद अभी उसका टाइम है नहाने का, तो चलो आगे आगे देखते हैं। बन रही है दिवांश के लिए चिकन, तो चिकन का लेग पीस भी है और छोटे छोटे दो पीस भी है यहाँ पे। इसके साथ है कैप्सिकम है, गाजर है, टमाटर है, आलू है और थोड़ी सी ये देखिए पपाया को ना पहले से ही बॉईल करके रखा है, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी। जब मैं इसमें पानी डालूँगी तब मैं उसको डाल दूँगी, क्योंकि वो आगे से ना बॉयल करके मम्मी ने रखा है। तो चलिए मैं इसको कुक कर लेती हूँ, इसको अभी थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मसाले को भून लेती हूँ। तो ये रहा दिवांश का चिकन करी, थोड़ा सा पतला वाला बनाती हूँ, वो इतना मसालेदार तो नहीं बनाती हूँ, छोटा है। और मसाले में कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी जीरा पाउडर और एक पिंच के बराबर थोड़ी सी गर्म मसाला पाउडर मैंने यूज़ किया है। ये तो हमारी रान्ना करे छे। दिवांश को चिकन खाना बहुत पसंद है और आज तो संडे है, तो चलिए उसको खिलाते हैं। गा को खाता मालो। लंच करने के बाद वो थोड़ी देर ऐसे खेलता है, फिर उसके बाद वो सोने के लिए जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टाटा।